हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम टू एसकेसी लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। करेंट अफेयर अपडेट्स डेली डाइजेस्ट में हम सब है और अगले 10 मिनट के अंदर देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो करेंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के टॉप न्यूज को कवर करने वाले हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है वो सभी महत्वपूर्ण सवाल जो करंट अफेयर्स पे आधारित हैं। सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ और आज का थॉट है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास धैर्य है, तो आप दुनिया में बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सफलता की शुरुआत में उतार चढ़ाव आते हैं और जीतता वही व्यक्ति है, सफल वही व्यक्ति रहता है जो इन उतार चढ़ाव के दौरान घबराता नहीं है। वो अपने पेशेंस को, धैर्य को बनाए रखता है, अपने कर्तव्यों पे भरोसा रखता है, अपने साहस पे भरोसा रखता है, अपने लक्ष्यों पे भरोसा रखता है। तो अगर आपके पास सब्र की ताकत है तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तो सब्र को बनाए रखें और सफलता की ओर अग्रसर रहिए। सेशन की शुरुआत करेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने संबंधित एक विधेयक को पारित कर दिया है। साथियों, यह विधेयक पारित हुआ है केरल विधानसभा के अंदर। अब वहां पे जो राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, उस पद से उन्हें यूनिवर्सिटी से हटाया जा सकता है। आगे प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है, न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू की घोषणा करी है। साथियों, अमेरिका इज द कंट्री जिसने ये अनाउंसमेंट किया है कि वहां के जो कैलिफोर्निया लॉरेंस लिवरमैन नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने इस ब्रेक थ्रू की घोषणा की न्यूक्लियर फ्यूजन की। आगे सवाल है कि निम्न में से नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में चौथी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा डिपार्टमेंट रहा है, वह कौन सा आयोग है, वह कौन सी मंत्रालय है जिसने सबसे ज्यादा शिकायतों को सुना है। साथियों, वह डिपार्टमेंट, वह मंत्रालय है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड हमारे यहां जारी करती है। ये सबसे ज्यादा शिकायतों का इन्होंने निपटारा करा है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 किस शहर के अंदर आयोजित हुआ है? तो साथियों, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है और यह सातवां आयोजन था, जैसा कि आप प्रश्न में भी देख सकते हैं। 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के किसने शपथ लिया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द राइट आंसर। और आगे बढ़िएगा साथियों, एक और जानकारी रखोगे कि इसमें डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई मुकेश अग्निहोत्री का। ओके, और दिल्ली में भी सॉरी गुजरात में भी नए सीएम बने हैं, तो जो पहले से थे वही पटेल साहब फिर से बने। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिला अदालत का डिजिटलीकरण होने का उद्घाटन किया है, उसके डिजिटल कोर्ट हब का इनोग्रेशन किया है? साथियों, ये ओडिशा में 10 जिला अदालत है जो डिजिटल वे में हो गए हैं, उसका इनोग्रेशन किया है। हाल ही में कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ समझौते किए हैं, भागीदारी निभाई है? स्पेस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑब्सर्वेटरी, राइट। इसे पहली बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो साथियों, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के द्वारा इगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है टेनिस में। किस शहर में G20 फाइनेंस और सेंट्रल गवर्नेंस की बैठक का आयोजन किया गया है? तो G20 के लगभग 100 मीटिंग्स इंडिया के अंदर होने वाले हैं और जो सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुआ है वह बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ साइंटिस्ट के तौर पर जो नियुक्ति करी है वह है
कैरी मी फरार, एंड ऑब्वियसली सी इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर। हाँ आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा, 10 प्रश्न भी हुए। नेक्स्ट है, उस बैंक का नाम बताओ जिसने हाल ही में सिक्स्थ परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ समझौते किए हैं। वह बैंक है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक। बेपोर उरु किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? बहुत बेहतर, एंड इसका सही आंसर है फ्रेंड, केरला इज राइट आंसर। हाँ अभी इस पे GI टैग मिला है केरला को, और एक लकड़ी का जहाज या नौकायन पोत है जो यहाँ पे केरल के अंदर ही केवल बनाया जाता है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Airbnb ने किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों गोवा इज द स्टेट जिसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है Airbnb ने, समावेशी इंक्लूसिव टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। वह भारतीय फिल्म जिसको 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लगातार अभी RRR जो मूवी थी राजा मौली की, उस फिल्म को सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग मंचों पर, अलग अलग आयोजनों में। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने लॉन्च किया है? उसमें दुनिया की 7 टॉप इकोनॉमी जो है, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे प्रश्नों का, हाल ही में यानी कि दिसंबर 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? यह प्रस्ताव जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। इसमें 8 अंकों का एक फैमिली पहचान नंबर होगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशों का पहला सेट भेजा है कि प्रमुख कौन है? तो कॉलेजियम के प्रमुख कौन होते हैं? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, कॉलेजियम में टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, तो D.Y. चंद्रचूड़ क्योंकि सबसे वरिष्ठ वही इसमें हेड है। फीफा विश्व कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्लेयर्स में से एक लियोनेल मेसी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे प्रश्न है, केरल के तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी सभागार में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो साथियों यहां पर आयोजित किया गया था 27th आयोजन, और जगह लोकेशन सारी चीजें आपको यहां पर लिखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो स्पष्ट जानकारी है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है गोवा के अंदर, एंड राइट आंसर जो ऑब्वियसली बी। तो सर ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि डेली डाइजेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इसमें काफी कुछ सीख पा रहे होंगे। कैसा लगता है आपको मेरा ये प्रयास, आप हमें कमेंट करके बताएं, और 10 मिनट के अंदर टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने का एक प्यारा सा अनुभव जरूर से जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और 6 बजे अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। सेशन से जुड़ने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।